थोड़ा बल्ले बल्ले वगैरह करेंगे। सो लेट्स गो, निकलते फिर यहाँ से फटफट। तो जी एक आपके लिए एक गाना बोलना चाहता हूँ और वो गाना मराठी है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे। आपका माइक है ना, अगर आप नहीं गिराओगे ना ऐसे नीचे वगैरह तो अच्छे। तो जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की अपने इक्विपमेंट है ना वो संभाल के रखनी पड़ेगी, अगर काम हो गए तो फेंकने का नहीं, बिल्कुल उसको संभाल के रखना है। ओके, गाने बिने जोक्स भी हम लोग सब करेंगे यार, फुल इंजॉय करेंगे क्योंकि लाइव हम लोग इंजॉय करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग जी। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:10। आज की कहानी ये है कि हमारे गोप्रो के लिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए ले लिए हमने नया माइक। सो वो माइक चेक करने का, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं आज बाहर नवी मुंबई, जरा देखते हैं उसका आवाज़ वगैरह कैसा आ रहा है। तो कहानी शुरू करने से पहले, हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अंकुर, आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हो गए, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सो ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग घर से निकल के यहाँ आ चुके हैं डायरेक्ट। अभी हमें नवी मुंबई कोपर करने सेक्टर 23 में। इधर आने का रीज़न ये है कि थोड़ा इधर सामसूम रास्ता है, हम लोग को जो गोप्रो का नया माइक लिया ना हम लोग ने वो टेस्ट करने का, थोड़ा आवाज़ वगैरह कम रहेगा तो अच्छा क्वालिटी हम लोग को समझ में आएगा वॉइस कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ। यो यो यो, चेक माइक चेक कर रहे, मोटो व्लॉगिंग सेटअप वगैरह एकदम प्रॉपर हो चुका है। देन अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, नया माइक दिखा जो हम लोग ने लिया है वो। तो ये रहा हमारा नया माइक, लावालियर का माइक्रोफोन। जो जूना वाला माइक लिया था ना एक्चुअली वो थोड़ा हल्का क्वालिटी का था। हम लोग ने गोप्रो का ब्लॉग देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जाओ यार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में डाला है इसका लिंक। उसके साथ जो माइक लिया था थोड़ा हल्का क्वालिटी का था, वो ख़राब हो चुका है, 2 या 3 ब्लॉक के बाद ही वो खराब चुका है। इसके लिए हम लोग ये नया माइक लिया अभी। सो इसका टेस्ट करने का था, इसके लिए हम लोग अभी बाहर हैं। सो देखते हैं सिनेमैटिक वगैरह वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, लेट्स गो। सो हेलो डियर्स, फाइनली हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी रेडी हो चुका है। सो इसको चालू करते हैं, 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। सो अभी इधर से निकलते जरा वाशी वगैरह जो साइड है ना उधर घूमते, कैसा ट्रैफिक कम रहेगा उधर, अपना हॉर्न वगैरह ट्रैफिक आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगा, इसके लिए उधर जाएंगे। सो उधर थोड़ा गाना वगैरह मज़े करेंगे, थोड़ा बल्ले बल्ले वगैरह करेंगे। सो लेट्स गो, निकलते फिर यहाँ से फटफट। सो सब सेट है टोटल, ये हमारी बाइक, एक्चुअली ये बाइक नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम बताऊंगा आपको एक व्लॉग में, इसका एक व्लॉग ही बताने वाला आपको। गणपति बप्पा मोरिया। एक अच्छा काम करने से पहले जी भगवान जी का नाम तो लेना बनता है यहाँ पे, और हमारे प्यारे भगवान गणपति बप्पा। सो अभी हम लोग निकल रहे सेक्टर 23 से। ये आप लोग को मालूम ही होगा डंपिंग का जो ग्राउंड था पहले वो साइड था, उधर एक निसर्ग उद्यान मैदान है, देन उसके बाद यह गार्डन जहाँ क्रिकेट का मैच वगैरह रहता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यूज़ वगैरह। सो अभी भी यहाँ पे ये चालू है, मैच वगैरह चालू है। ये देखो देखो, चेक दिस आउट भाई साहब, म्यूज़िक बंद करो, हम लोग को कॉपीराइट आएगा। थैंक्स गॉड आज संडे और तभी बारिश नहीं है, इसके लिए ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, और ये हमारा जो नया माइक लगा है ना उसको चेक करें हम लोग जी। नवी मुंबई के सड़कों पे मिस्टर व्लॉगर अंकुर मचा रहे। बोलना चाहूँ तो बहुत दिनों बाद एक लंबी स्ट्रेच मार रहा हूँ मैं, कॉज ऑफ ज़्यादा भी बाइक चलाना नहीं होता, लोकल में चलाता वो साइड में बाइक। अभी दैन इधर से मतलब मेरे घर से इधर आने के लिए कुछ तो 15 या 16 किलोमीटर हो जाता है, तो आने का जाने का 30 किलोमीटर, दैन यहाँ लोकल घूमने का तो 40-50 किलोमीटर हो जाएगा, तो थोड़ा एक लंबे स्ट्रेच पड़ेगा बिकॉज ऑफ बहुत दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए। प्लान भी चालू है ज़रा बाहर जाने का बहुत दिनों बाद, क्योंकि जो फर्स्ट सीज़न आया था ना आप लोग ने देखा ही होगा जो मैंने गाँव में शूट किया था वो वाला सीज़न,
अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाओ, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उधर जाओ, बहुत सारे वीडियोस दे दो, चेकआउट करो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, ज़रा प्यारा सा कमेंट डाल दो, नहीं तो दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। बस अभी हम लोग पहुँचे डीमार्ट के इधर, इधर से आगे सब मोटो ब्लॉग आएंगे, उसमें आपको दिखाई ही देगा। सब एकदम सब रूल्स का पालन करते हुए हम लोग रोड पे बाइक चलेंगे, ओके। और जो भी ये ब्लॉग देख रहा है वो भी मतलब आपके ऊपर है, अभी सिग्नल वगैरह क्रॉस करना नहीं क्रॉस करना, आपके सेफ्टी पे ध्यान देके आप सब लोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सेफ्टी, बस बाकी उसके आगे कुछ नहीं है। ओ भाई मेरे मिरर तो सेट कर ले ज़रा। तो जी एक आपके लिए एक गाना बोलना चाहता हूँ, और वो गाना मराठी है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। जो वो सीरियल है ना मराठी, उस सीरियल का नाम है माझा होशील ना, माझा होशील ना, ऐसा उसका टाइटल सॉन्ग है। वो सीरियल एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, वो अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका जो गाना है ना भाई साहब, वो मैं ज़रा बोलना चाहता हूँ। ये सिग्नल जान दो, उसके बाद ज़रा आगे बोलूँगा। नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे, जिथे मेरू सावे तिथे तू असावे, तुझा पावलाने मी स्वप्नात यावे, नजरेस तुझिया स्वताला पहावे, जिथे सावली दूर जाते जराशी, मला साथ देशील ना, माझा होशील ना, माझा होशील ना। भाई ये गाना किसको डेडिकेटेड बिल्कुल नहीं है, सो कोई मन पे मत लो बच्ची, कोई मन पे मत लो। ये गाना मुझे एकदम ऐसा पर्सनली पसंद आता है, इसके लिए मैं गाता रहता हूँ। रुको ये सिग्नल जरा कॉस ऑन दो, अपना सिग्नल चाले हो भाई साहब। ओ भाई मेरे, भाई मेरे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, वो गाना मुझे पर्सनली पसंद है। अगर आपको लगता है कौन सा गाना मैं मोटो ब्लॉगिंग के टाइम बोलूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। आपने जो गाने का नाम डाला वो मैं ज़रूर गाऊँगा मोटो ब्लॉगिंग में, अपने ब्लॉग में। और जिसने बता दिया वो गाना गा, मैं उसका नाम भी लूँगा, देन उसके बाद वो गाना गाऊँगा। कौन सा भी गाना, रैप हो, मराठी हो, चाहे हिंदी हो, बस इंग्लिश छोड़ के कौन सा भी गाना बता देना, क्योंकि तुम्हारे भाई का इंग्लिश थोड़ा हैवी एकदम है इसके लिए। सो इंग्लिश छोड़ के कौन सा भी गाना बता देना बस। क्या हो गया ला बच्ची, इधर इतनी ट्रैफिक करके रख दिए तुम लोग ने, ये क्या पार्किंग के लिए जगह है क्या? नहीं ना, फिर काय के लिए लफड़े कर रहे तुम लोग? एंगल कैसा आ रहा है एकदम परफेक्ट, क्योंकि बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहे, तभी किए थे, कुछ इतने प्रैक्टिस नहीं थी। शायद ये तीसरा या चौथा रहेगा व्लॉग जो हम लोग इसमें मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं वो। अगर आपको पसंद आ रहा है मोटो व्लॉग तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, मज़े आ रहे हैं आप लोग को। गाने बिने जोक्स भी हम लोग सब करेंगे यार, फुल इंजॉय करेंगे, क्योंकि लाइव हम लोग इंजॉय करते हैं। एक्चुअली इस ब्लॉग का कंटेंट ये था कि माइक की रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, कौन से व्यूज़ आ रहे हैं, या कि माइक की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो दिखा रहे थे हम लोग को। बट जेन्युइनली मुझे ऐसा समझ रहा है कि ये माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग ने जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किए ना, हम लोग ने मोबाइल साइड में जाया, सो बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है इस माइक की। बस हम लोग को इसको संभालना पड़ेगा। ये जो भी माइक लिया था हम लोग ने अमेजोन से ऑनलाइन यूज़ किया था, एंड देन उसको शॉप वाले को पूछा माइक कैसे ख़राब होता है, तो वो बोला कि आपका माइक है ना, अगर आप नहीं गिराओगे ना इसे नीचे वगैरह तो अच्छा रहेगा, आप इधर उधर फेंक देते हो काम होने के बाद, ज़रा उसको संभालो, माइक एडाप्टर को संभालो, तब आपका माइक है ना जो आपका वो एकदम सेफ रह सकता है। तो जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की सभी अपने इक्विपमेंट है ना वो संभाल के रखनी पड़ेगी, अगर काम हो गए तो फेंकने का नहीं, बिल्कुल उसको संभाल के रखना, ओके। सो जी हम लोग पहुँच चुके अभी विजय सेल्स, यहाँ पे पार्किंग मिलते कि नहीं डोंट नो, मिल जाएगी यार, इतने बड़े बड़े शोरूम है यहाँ पे, बस मिल गई पार्किंग। ये पार्किंग का नाम लिया और पार्किंग हमारे सामने थे, हम लोग देख रहे हैं मिले कि नहीं, मिले कि नहीं। सो ये ब्लॉग का एंड करने के टाइम आपको एक ही बात बता देता हूँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया,
वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है, हम लोग की साउंड क्वालिटी कैसी है ज़रूर बता देना आपको अच्छा लगा तो। और एक बात ज़रूर बता देना, आपको अगर मोटो ब्लॉग पसंद है ना तो बता देना, क्योंकि बहुत सारे राइड भी करूँगा इसके लिए तो लिया है यार ये गोप्रो। और वो गाने का भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं वो गाना ज़रूर गाऊँगा और उसमें आपका नाम भी ज़रूर लूँगा। ओके, सो ब्लॉग अगर पसंद आया जी आपको तो मालूम है ना ये कुछ करते हैं ना वो ज़रूर करना। बस मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।